बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अमीन राजा और आप देख रहे हैं तुम पाकिस्तान। और आज मैं और अयान भाई बात करेंगे सियालकोट वाकया पे। आपको पता है कि सियालकोट में एक वाकया हुआ जहाँ पे एक गैर मुस्लिम श्रीलंकन शहरी को लोगों ने सड़क पे लाकर उसको मारा। मारने के बाद उसकी लाश को जला दिया गया। वजह ये क्या थी, मामला क्या था और इस बारे में अयान भाई क्या कहते हैं, इनसे इनकी राय लेंगे। अस्सलाम वालेकुम अयान भाई। वालेकुम सलाम। अयान भाई, क्या आप क्या सोचते हैं इस वाकया के बारे में, जो हुआ है ठीक हुआ है गलत हुआ है क्या हुआ है? मीन साहब, जैसा कि आपको पता है कि नबी पाक के दौर की बात की जाए, आज से पीछे चले जाए, देखा जाए तो नबी पाक के दौर में ऐसा होता था कि सहाबा कराम के पास जो तलवारें होती थी वो नंगी ही होती थी, कि अगर कोई भी गुस्ताख होता था, गुस्ताखी करता, उसी वक्त उसे मार दिया जाता था या कलम कर दिया जाता था। तो आज हमारे माशरे में, हमारे इस दौर में गुस्ताखी होती है। पीछे भी आपने देखा है कि कितने लोगों ने गुस्ताखियाँ की हैं, लेकिन उसको कोई भी सजा नहीं देता। कानून तो बिल्कुल सजा नहीं देता, लेकिन लोगों ने ही मारा है, उन गुस्ताखों को लोगों ने ही मारा है, चाहे पाकिस्तान में चाहे आउट ऑफ कंट्री है। जिसने भी मुसलमानों के दीन के खिलाफ बात की है ना, गुस्ताखी की, उसको मार दिया जाता है। इसमें तो अगर सियालकोट में देखा जाए, मैं तो यही समझता हूँ कि अगर उस बंदे ने 5 साल हो गए कि अगर पाकिस्तान में वो रहते हुए कि मैनेजर के तौर पे काम करता था, तो आज ही उसने 5 साल बाद उसे नजर आया कि जी मैं ये नाम शीट उतारूँ, ये शीट उतारू ना, उस बिला इसे फाड़ के मैं डस्टबिन फेंक दूँ। यानी कि बात कहने के शक में है कि पता नहीं उसने गुस्ताखी की है या नहीं की है, ठीक है। लेकिन आपके ख्याल में अगर उसने किया तो फिर उसका ठीक होगा? बिल्कुल, अगर उसने किया तो ये बिल्कुल उसे ठीक मारा गया, ठीक। मैं तो ये कह के उसे मार दिया गया, जला दिया गया, हमारा दीन है हम। और अगर इस बात को वो लड़के प्रूफ ना कर सके, तकरीबन 118 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर वो लोग इस बात को प्रूफ ना कर सके कि हाँ इसने गुस्ताखी नहीं की, गुस्सा के प्रूफ ना कर सके, तो उनके साथ क्या होना चाहिए? देखिए, अगर उन लड़कों ने जाती मामले के तौर पे उसे मारा गया या उसे मार दिया गया अपना गुस्सा निकालने के लिए, तो फिर उन लड़कों को जो है सजा मिलनी चाहिए। कैसे? देखिए, क्योंकि मतलब कि उसने कत्ल किया, कत्ल की 302 की सजा, कत्ल पता ही चलता है जी। कत्ल ये भी होता है कि आप किसी को गोली मार दें जी, आपने किसी की गर्दन काट दी या तलवार से काटी तो मर के उसको पता नहीं चला, लेकिन इतनी बहिमाना मौत, यानी कि उसको 200 बंदा मार रहा है, ऐसे ही ठुड्डे मार रहे हैं, वट्टे मार रहे हैं, उसका सर, उसके जिस्म की कोई हड्डी मेरे ख्याल से सलामत नहीं होगी। इनमें क्रेडिट को आग लगा दिया गया जी। तो जो वो लोग जो अगर वो साबित ना कर सके और झूठे साबित हो गए, वो गुस्ताखी साबित हुई, तो मेरा तो ख्याल इन साहब के साथ यही होना चाहिए। नहीं देखिए, उसमें ये 2 बंदों को क्रेडिट जाता है जिन बंदों ने ये मामला उठाया था, जो वर्कर थे। मरकजी करदार तकरीबन 13 से 14 लोग हैं, ठीक है, जो मरकजी करदार है। बाकी फिर जब आवाम में आ गया तो तकरीबन मेन पे जो लोग ज्यादा हिट कर रहे थे ना उसको, जी जी, वो 118 से 20 लोग हैं, ठीक है। तो असल में बात यह है कि अगर प्रूफ साबित हो जाता है कि वाकई उस बंदे ने किया है, फिर तो ठीक हो गया। अगर नहीं होता तो फिर इनको कोई ना कोई सजा ऐसी दी जाए कि ये भी निशाने इबरत बन जाए कि इनको भी पता चले कि जी हमने जाती मामले के तौर पे ज्यादती की है किसी आगे वाले, क्योंकि वो हमारे पास मेहमान था। ज्यादती की है, पाकिस्तान को बदनाम किया है, इस्लाम को बदनाम किया है, लोग पहले ही दहशतगर्द कहना कहते हैं, पाकिस्तान का इमेज दूसरे कंट्रियों में जरा बुरा गया है, इमेज खराब हुआ है हमारा, ये तो बिल्कुल मैं गलत समझता हूँ इस बात को। अच्छा यार भाई, आप ये बताएं कि मतलब ये वाकया हो गया, उसने गुस्ताखी की है कि नहीं, के बाद लोगों ने कानून को हाथ में लिया। जी सर, कानून को हाथ लिया बिल्कुल। तो उस वक्त जो कानून के हमारे जो रखवाले हैं, हमारी पाकिस्तान की हमारी सोनी पंजाब पुलिस जो पूरी दुनिया में मशहूर है, पंजाब पुलिस आपको पता ही है कि बेगना को पकड़ के तो उसके वो बात भी मनवा देनी जो उसने कभी उसके दादे परदादे ने भी नहीं की, जो काम उससे मनवा लिया जाता है। तो इस मौके पे ये हमारी दलेर, हमारे महाफिज पुलिस वाले कहाँ पे थे? देखिए मीन साहब, उधर जब वो भीड़ इकट्ठी हो गई थी, आवाम इकट्ठी हो गई थी, किसी एक बंदे ने 15 पे कॉल कर दी थी। तो जब 3-4 गाड़ियां पुलिस की आई है ना, तो इतना मजमा था, तो वो एक गाड़ी के अंदर 5-6 मुहाफ़िज आते हैं, 8-10 कर लें, तो 4 गाड़ियों के अंदर 40 मुहाफ़िज कर लें, हमारे पुलिस वाले पंजाब पुलिस वाले 40 होंगे। तो वो भीड़ के सामने तो कुछ भी नहीं थे, अगर वो अंदर आते, वो तो उनके अंदर तो शैतान हैवी हुआ था, जुनून था, जज्बा था, वो तो अपना काम कर चुके थे या काम कर रहे थे, लेकिन अगर पुलिस वाले उनमें दखल अंदाजी करते तो साफ जाहिर है कि उनके साथ भी ये मामला हो सकता था। नहीं, अभी आप देखें अयान भाई ने कहा है कि पुलिस लेट पहुंची है थोड़े से, लेकिन अयान भाई पुलिस के पास बैकअप भी होता है जी, पुलिस के पास हथियार भी होते हैं, अगर वो हवाई फायरिंग भी करते तो लोग टल सकते थे। एक वीडियो मेरे पास आई है, हम यूट्यूब पे दिखा तो नहीं सकते वीडियो, कि जब उसको मार दिया गया, उसकी लाश को आग लगाई जा रही थी, उस वक्त भी पुलिसमैन पास खड़ा हुआ है। तो असल में ये पुलिस वाले भी लटकने चाहिए कि भाई तुम किसी ने तनख्वाह लेते हो, इन्होंने उनको क्यों नहीं रोका? पुलिस चाहती तो बहुत कुछ हो सकता था, पुलिस के पास बड़ी ताकत होती है जी। यहाँ पे कहने के वहाँ पे जितने भी लोग थे मौजूद थे, मेरे ख्याल में सारे के सारे मुजरम, और सबको सजा मिलनी चाहिए। अगर वो बंदा गुस्साख है तो, अगर वो गुस्साख था
फिर वो कल्ला ही उसके साथ जो हुआ ठीक हुआ, आपकी और मेरी राय यही है, ऐसा ही है। नादरी इसी के साथ मुझे अमीन दादा को और अयान सरवर भाई को इजाजत दीजिए और देखते रहिए तुम पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।